हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक आप लोग को पता चल ही गया होगा कि निफ्ट में कौन सी बुक्स यूज़ होती हैं, बुक्स यूज़ होती हैं कि नहीं होती हैं, या फिर लैपटॉप्स की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है निफ्ट की फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड गाइस, प्लीज़ कीप सपोर्ट जैसे आप लोग करते रहते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि निफ्ट में बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बुक हम नहीं पढ़ते हैं निफ्ट में, बेसिकली हमारा काम प्रैक्टिकल होता है, और जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो आपके फैकल्टी जो होते हैं ना, वो लाइक पीपीटी बना के पीपीटी के थ्रू पढ़ा देते हैं आपको, और आपको वो चीज़ों को जो जो भी उसमें इंफॉर्मेटिव होती है, जो आपको ज़रूरत है, वो आप पढ़ाते वक्त उनके नोट डाउन कर सकते हो, या फिर स्क्रीन शॉट लेकर के रख सकते हो, बाद में उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। सेकेंड थिंग, निफ्ट जो भी बुक रेफर करता है पढ़ने के लिए, वो बुक आपको उनकी लाइब्रेरी में मिल जाती है, इसलिए वो बुक्स आप खरीद भी नहीं पाओगे, और आई थिंक मिलेगी भी नहीं यहाँ। वो बाहर अदर अदर कंट्रीज से और बाहर बाहर की काफ़ी मतलब डिटेल्ड बुक होती हैं, जो कि बहुत लाइक जैसे कि मैं मान लो हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की बहुत पुरानी कोई बुक है, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो वही सारी बुक्स आपको पढ़नी होती हैं अगर पढ़नी है तो, अदरवाइज़ कोई बुक नहीं होती है, आपको पीपीटी के थ्रू ही पढ़ाया जाता है, और पीपीटी के थ्रू ही आपको सारी डिटेल्स दी जाती हैं। असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको, जो आप पढ़ोगे उसका असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। हमारे एक सेमेस्टर में 3 असाइनमेंट्स होते हैं, एक होता है मिड टर्म, फिर होता है एंड टर्म, और उसके बाद होता है ज्यूरी। तो 3 तरीके के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं बीच बीच में। मिड टर्म हमारा होता है 30 मार्क्स का, इंड टर्म होता है 30 मार्क्स का, एंड ज्यूरी होता है 40 मार्क्स का। इन टर्म एंड मिड टर्म में हमारा लाइक जैसे यूनिट टेस्ट होता है, आप यूनिट टेस्ट कह सकते हो, इसमें भी रिटन चीज़ें नहीं आती हैं, आपको बनाने को कुछ आ सकता है, या फिर जो आप पढ़े होगे उसी में से कुछ ना कुछ आपको आ सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं एग्ज़ाम क्वेश्चन टाइप जैसे नॉर्मल बच्चों की स्टडीज़ होती है वैसा नहीं होता है कि आपको रट के लिखना है फिर पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ खास नहीं। जो आपको पढ़ाएंगे एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो काफ़ी दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाती है, उसी का आपको पीपीटी या फिर कुछ भी बना के आपको सबमिट करना होगा। सो, ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई हो कि आपको बुक की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बच्चों को निफ्ट में बुक की ज़रूरत नहीं है। इन केस किसी भी बुक की ज़रूरत है तो वो बुक आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी। अब आप बोलेंगे कि निफ्ट में लाइब्रेरी मिल जाती है, बट अभी ऑनलाइन में हमें लाइब्रेरी कैसे मिलेगी? तो लाइब्रेरी का भी ऑनलाइन एसेस होता है, जो भी बुक्स लाइब्रेरी में दी हुई है निफ्ट में, वो सारी बुक्स आपको ऑनलाइन एसेस के थ्रू मिल जाएंगी। आपको लाइब्रेरी का एसेस मिल जाएगा जब आप ज्वाइन करोगे निफ्ट, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन ई बुक के तरीके उसको लेकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे करना है, तो ये आप अपने तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद और भी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इससे भी रिलेटेड कोई डाउट होता है तो 7:30 पे आज मैं लाइव आऊँगी, और उस वक्त हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई भी इश्यूज़ आपके होते हैं तो। अदरवाइज़ आई थिंक ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। और एक सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर में लैपटॉप की ज़रूरत है? देखो, लैपटॉप की ज़रूरत तो है क्योंकि डिजिटल डिज़ाइन हमारा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं और आप आपके पास लैपटॉप नहीं है और एनीहाउ हो आपको काम भी करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लैपटॉप के बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। लाइक एक ही सब्जेक्ट है लैपटॉप के यूज़ का, तो अगर थोड़ा बहुत काम है तो किसी से मांग के भी हो सकता है छोटी मोटी चीज़ें, अदरवाइज़ थोड़ा दिमाग का यूज़ करोगे तो भी चीज़ें हो जाएंगी। उसको शॉर्टकट वगैरह मैं बता दूंगी, ऐसे बताना मुझे भी अलाउ नहीं होगा, निफ्ट वाले भगा देंगे मेरे को, तो ऐसे मैं शॉर्टकट भी नहीं बता सकती, बट मैं बताऊंगी जो भी चीज़ें, जहाँ पे भी आपको दिक्कत होगा मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, समझाती रहूँगी। जब से भी आपकी फर्स्ट डे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद जो भी असाइनमेंट्स मिलेंगे, जो भी होगा, आपको हर चीज़ मुझे पता है ऑलरेडी कि आपको क्या पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ाया जाने वाला है आपको, तो मैं उस तरीके से आपको वीडियो अपडेट देती रहूँगी ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि अभी ऑनलाइन होने में चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, हमारे साथ तो बहुत ही गलत हो रही हैं, हमारी स्टडी पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड है बट हमें फिर भी थ्योरी की तरह पढ़ना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम तो है। तो इसलिए मैं आप लोग का सपोर्ट करती रहूँगी ताकि आप लोग का जो स्टडी है, जो आप पढ़ रहे हो, वो ऐसा ना हो कि आपको कुछ मिला ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली नहीं, इसलिए मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देती रहूँगी। तो होप सो कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हो, मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हों, और जैसे आप लोग अभी तक सपोर्ट कर रहे हो वैसे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय गाइज़।